हेलो व्यूअर्स, फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5.1 का क्वेश्चन 4 फिनिश करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमें क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 फिनिश किया था। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द डेटा ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, यानी हमें पूछा गया है, हमें सीक्वेंस सीरीज गिवन होगी नंबर्स की और वो बोले हैं कि एपी है कि नहीं पहले चेक करना है। ओके, तो वो हम चेक कैसे करेंगे? डिफरेंस कॉमन आना चाहिए, उससे हमें हमारे ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। नाउ अगर एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी जो टर्म्स दिए हैं उससे 3 ज़्यादा और टर्म्स हमें लिखने हैं। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2, 4, 8, 16, ये एक सीरीज है नंबर्स की। यहाँ पे देखिए, इसे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4, फर्स्ट 4 टर्म्स गिवन है। पहले देखते हैं AP है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, यानी A2 माइनस A1 निकालते हैं पहले और फिर निकालेंगे A3 माइनस A2 और उसके बाद A4 माइनस A3। ये सभी सेम आने चाहिए, अगर है तो AP फॉर्म कर रहा है। ओके, नाउ A2 क्या है, 4 माइनस 2 विच इज 2, 8 माइनस 4 विच इज 4 और 16 माइनस 8, वो क्या होगा, 16 माइनस 8 इट इज 8। तो आप देख रहे हैं तीनों केस में क्या आ रहा है, डिफरेंट है नंबर्स। ओके, सो 8 डजंट फॉर्म AP। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे AP नहीं है इसीलिए कॉमन डिफरेंस भी नहीं निकलेगा और 3 मोर टर्म्स भी नहीं निकलेंगे, AP ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट सीरीज चेक करते हैं, इसमें नेम दे देते हैं, इट इज़ A1, A2, A3 एंड A4। नाउ वी कैन कैलकुलेट A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3। ओके, नाउ व्हाट इज A2 माइनस A1 विच इज 5/2 माइनस 2। नाउ 5/2 माइनस 2, 2 जा 4, सो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 विच इज 1/2। ओके, नाउ 3 माइनस 5/2, 3 2 जा 6 माइनस 5/2 विच इज ऑल्सो 1/2 एंड 7/2 माइनस 3, यानी 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 2 यानी ऑल्सो 1/2। आप देख रहे हो तीनों केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो सी आ रहा है, यानी कि डी इक्वल्स टू 1/2 सभी केस में सेम है। सो इट फॉर्म्स AP। ओके, नाउ हम जो बाकी के 3 टर्म्स है वो निकालेंगे, यानी A5, A6 एंड A7। A5 मीन्स A4 प्लस D, आगे के टर्म में, प्रेसिडिंग टर्म में डिफरेंस ऐड करेंगे। इसके आगे का टर्म है A5, उसमें D ऐड करेंगे और इसके आगे 6 टर्म है उसमें D ऐड करेंगे। सो A4 क्या निकला हमारा, A4 है गिवन 7/2 प्लस D क्या निकला 1/2, 7 प्लस 1 8 बाई 2 यानी कि 4। नाउ A5 निकला 4, उसमें 1/2 ऐड कर देते हैं, 4 2 जा 8 प्लस 1 विच इज़ 9/2 एंड 9/2 में फिर से हम हाफ ऐड करेंगे, 9 प्लस 1 10/2 यानी कि 5। ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, मूविंग टू थर्ड पार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। A1 A2 A3 A4, अब पहले क्या करेंगे, A2 माइनस A1 माइनस 3/2 माइनस माइनस 1/2। नाउ A3 माइनस A2, A3 है माइनस 5/2 माइनस 3.2। नाउ A4 माइनस A3 यानी माइनस 7.2 माइनस 5.2। देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी माइनस 3.2 प्लस 1.2। अगर आप इसको परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर क्या निकलेगा, पॉज करके ट्राई कीजिए, आपका आंसर निकलेगा -2। ओके, नाउ सेम वे -5.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, पॉज कीजिए, एडिशन कीजिए और
प्लस माइनस है इसलिए आपको यहाँ प्लस लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होगा, सब्सट्रैक्शन, और इसका भी आंसर निकलेगा माइनस टू। ये आपको खुद से करना है सब्सट्रैक्शन। नाउ माइनस 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, अगेन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कीजिए और उसका आंसर माइनस टू लाइए। देखिए सभी केस में डी सेम आ रहा है, यानी कि एट फॉर्म्स ए पी, ओके। और हमारा डी क्या निकल रहा है यहाँ पर, डी है सभी केस में जो सेम आता है उससे कॉमन डिफरेंस डी, यानी कि माइनस टू। नाउ नंबर्स आगे के फाइंड करते हैं, ए फाइव ए सिक्स और सेवन। ए फाइव मीन्स ए फोर प्लस डी, ए सिक्स मीन्स ए फाइव प्लस डी, एंड ए सेवन यानी ए सिक्स प्लस डी। ए फोर है माइनस 7.2 जो कि डेटा में गिवन है, डी है माइनस टू। नाउ ए फाइव जो यहाँ पे आता है यहाँ पे पुट कीजिए, उसमें से माइनस टू कर दीजिए, और यहाँ पे जो ए सिक्स आएगा वो यहाँ पे पुट करके उसमें से माइनस टू कीजिए, तो यू गेट दी आंसर। ये आप खुद से कीजिए क्योंकि इससे आपका मैथ पावरफुल होगा। ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। फर्स्टली ए वन ए टू ए थ्री एंड ए फोर। नाउ क्या करेंगे कैलकुलेट, ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, वन बाई वन कर देंगे। टू माइनस वन, थ्री माइनस टू और फोर माइनस थ्री, माइनस सिक्स माइनस माइनस टेन, माइनस टू माइनस माइनस सिक्स और टू माइनस माइनस टू। चलिए माइनस सिक्स प्लस टेन, टेन माइनस सिक्स फोर, माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, सिक्स माइनस टू अगेन फोर, टू माइनस माइनस प्लस टू विच इज़ ऑल्सो फोर। तीनों केस में डिफरेंस सेम निकल रहा है। एट फॉर्म्स ए पी, ओके, और डी क्या निकला, फोर। ओके नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे, ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन। ए फाइव मीन्स ए फोर प्लस डी, ए फाइव प्लस डी विच इज़ योर ए सिक्स, एंड ए सेवन इज़ ए सिक्स प्लस डी। ए फोर क्या है, गिवन है टू, टू में फोर ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस, ओके। टू प्लस फोर सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, और टेन प्लस फोर फोर्टीन, ओके। फोर फोर नंबर हमने ऐड कर दिए। नाउ फिफ्थ वन, यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ए फोर। नाउ फर्स्टली ए टू माइनस ए वन, उसके बाद ए थ्री माइनस ए टू, उसके बाद ए फोर माइनस ए थ्री होगा, ओके। नाउ ए टू क्या है, थ्री प्लस रूट टू, और उसमें से थ्री सब्सट्रैक होगा, थ्री थ्री कट होके आंसर आ जाएगा रूट टू। नाउ थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री प्लस रूट टू, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पे थ्री प्लस टू रूट टू माइनस थ्री माइनस रूट टू, थ्री थ्री चला जाएगा, टू टाइम्स रूट टू में से वन टाइम रूट टू जाएगा तो वन टाइम रूट टू बचेगा। सेम वे थ्री प्लस थ्री रूट टू माइनस थ्री प्लस टू रूट टू, यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी तरह तो थ्री थ्री कट हो गए, थ्री टाइम रूट टू में से वन टाइम टू टाइम रूट टू चला जाएगा तो वन टाइम रूट टू बचेगा। देखिए सभी केस में सेम निकला डिफरेंस, यानी कॉम इट फॉर्म्स ए पी स्टेटमेंट आप लिख दीजिए यहाँ पे, इट फॉर्म्स ए पी एंड कॉमन डिफरेंस डी इज रूट टू, ओके। नाउ ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन। ए फाइव यानी ए फोर प्लस डी, ए फाइव प्लस डी और ए सिक्स प्लस डी, यहाँ पे थ्री प्लस थ्री रूट टू योर ए फोर, ना वो गिवन है और डी निकला रूट टू, ओके। क्या हो जाएगा, थ्री थ्री रूट टू प्लस वन टाइम रूट टू यानी फोर रूट टू हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक भी रूट टू नहीं था, यहाँ पे एक बढ़ गया, यहाँ पे दो बढ़ गया, यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे देखिए ए फाइव में फोर रूट टू आएगा, ए सिक्स में फाइव रूट टू आएगा और ए सेवन में सिक्स रूट टू, ओके। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं और आंसर देखिए वही आता है, थ्री फोर प्लस रूट टू प्लस वन रूट टू यानी फाइव रूट टू, और इसका आंसर आएगा थ्री प्लस सिक्स रूट टू। ये स्टेप खुद से कीजिए, ओके। नाउ लास्ट सिक्स्थ वन, पॉइंट टू पॉइंट टू टू पॉइंट टू 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 एंड पॉइंट टू 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 टू।
ओके ए टू माइनस ए वन पॉइंट टू माइनस पॉइंट ट्वेंटी टू क्या निकलेगा 0.02। नाउ अब क्या होगा ए थ्री माइनस ए टू 0.222 माइनस 0.2 22 क्या होगा 0.002 और ए फोर माइनस ए थ्री यानी कि 0.4 टाइम्स टू माइनस 0.3 टाइम टू तो वो निकलेगा 0.002। ओके तो देख सकते हो आप तीनों केस में डिफरेंट आ रहा है सो इट डजंट फॉर्म एपी। ओके नाउ सेवेंथ वन 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 तो पहले ए टू माइनस ए वन यानी माइनस 4 माइनस 0 विच इज़ माइनस 4 ए थ्री माइनस ए टू यानी माइनस 8 माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 विच इज़ ऑल्सो माइनस 4 एंड ए फोर माइनस ए थ्री यानी माइनस 12 माइनस माइनस 8 यानी माइनस 12 प्लस 8 विच इज़ ऑल्सो माइनस 4। देख सकते हो तीनों केस में सेम आ रहा है। स्टेटमेंट लिखिए इट फॉर्म्स ए पी और कॉमन डिफरेंस क्या निकला डी इक्वल्स टू माइनस 4। नाउ ए फाइव यानी ए फोर प्लस डी ए फोर क्या था हमारा माइनस 12 माइनस माइनस 4। सिंप्लीफाई कीजिए ए सिक्स यानी जो ए फाइव निकला उसमें डी ऐड कर दीजिए और ए सेवन यानी ए सिक्स प्लस डी ये खुद से फाइंड कीजिए। ओके बिकॉज इजी है सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप कर दिया। ओके नाउ एट वन अब इसको देखकर ही मालूम चल रहा है सभी नंबर सेम हैं यानी डिफरेंस सभी केस में ज़ीरो आएगा। हमने पहले भी देखा है लेकिन यहाँ पे हमें शो करना है इसलिए वही मेथड हम रिपीट करेंगे माइनस वन बाई टू माइनस माइनस वन बाई टू ज़ीरो सेम सभी जगह यही आ जाएगा ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे आप खुद लिख दीजिए। ओके क्योंकि शो करना है और आपको लिखना है इट फॉर्म्स ए पी एंड कॉमन डिफरेंस सभी केस में क्या निकला ज़ीरो और ए फाइव ए सिक्स ए सेवन इस सीरीज़ के सारे टर्म्स क्या होंगे माइनस वन बाई टू तो सभी जगह माइनस वन बाई टू लिख दीजिए। ओके नाइन्थ वन तो ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री नाउ थ्री माइनस वन विच इज़ टू नाइन माइनस थ्री विच इज़ सिक्स और 27 माइनस 9 यानी 18 तीनों केस में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इट डजंट फॉर्म एपी एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके नाउ टेंथ क्वेश्चन ए चलो क्या होगा ए टू माइनस ए वन ए थ्री माइनस ए टू ए फोर माइनस ए थ्री टू ए माइनस ए विच इज ए 3a minus 2a which is also a and 4a minus 3a which is also a देख रहे हो सभी केस में सेम रहा है। स्टेटमेंट लिख दीजिए इट फॉर्म्स ap और d निकला a a5 a6 a7 a4 plus d a5 plus d a6 plus d okay now 4a है plus a 5a ये आएगा 6a और ये आएगा 7a ये आप खुद से लिख दीजिए और सभी कुछ कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ओके पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 है ए वन है a ओके ये आप याद रखिएगा ए टू माइनस ए वन देखिए ए स्क्वायर माइनस a विच इज़ क्या होगा एज इट इज़ रह जाएगा। आप ए कॉमन निकाल सकते हो तो बचेगा ए माइनस वन। नाउ ए थ्री माइनस ए टू यानी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो और फिर से ए माइनस वन एंड बाद में ए फोर माइनस ए थ्री और रह जाएगा ए रेस टू फोर माइनस ए क्यूब यहाँ पे a रेस टू थ्री कॉमन निकलेगा और a माइनस वन यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह चेंज है यानी इट डजंट फॉर्म ap फॉर्म नहीं कर रहा है। आप ऐसा मत कर दीजिएगा स्क्वायर माइनस a इक्वल्स टू ए हमने अभी किया टू ए माइनस ए होता है यहाँ पे
क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता. ओके, ये आप याद रखिएगा. ना 12th नंबर, रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32. नाउ आप रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं, रूट 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, और रूट 32 को, अगर आपको आप ये ना आए तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4√2, इसे लिख सकते हैं 9√2, और ये है 16√2. तो देखिए, अगर इसका स्क्वायर रूट होगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का एज इट इज़, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 की कैप एज इट इज़, और यहाँ पे 16 का 4 और रूट 2 एज इट इज़. आप कन्वर्ट कर दीजिए जिससे सब्सट्रैक्शन में हमें प्रॉब्लम ना हो. इसीलिए 8√2 माइनस 7 यानी 2√2 माइनस रूट 2, 2 टाइम्स रूट 2 में से 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम रूट 2 बचेगा. 8√3 माइनस 8√2 यानी 3√2 माइनस 2√2 विच इज़ 3 टाइम में से 2 टाइम जाएगा तो 1 टाइम बचेगा. और a4 माइनस a3 यानी 4√2 माइनस 3√2 विच इज़ ऑल्सो रूट 2. सभी जगह सेम आ रहा है, लिख दीजिए इट फॉर्म्स ap और d निकलेगा रूट 2. a5 a6 और 7 आप खुद से फाइंड कर लीजिए, बहुत ईजी है. सभी में रूट 2 ऐड कर दीजिए, 4√2 में एक टाइम हो जाएगा 5√2, फिर 6√2 और इसका आंसर आएगा 7√2. इसकी फॉर्मूला आगे से कॉपी कर लीजिए, a4+d a5+d और a6+d. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12. ओके, नाउ अब रूट 6 को आप इस तरह से जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अगर हम मल्टीपल्स करेंगे तो 3 और 2 निकलेंगे. ओके, तो रूट 3 × √2 रहेगा, इससे बेटर है हम रूट 6 ही लिखें. रूट 9 को आप लिख सकते हैं 3, और इसको आप लिख सकते हैं 3√2. ओके, क्या आएगा इसका, आप ऐसे लिख दीजिए 4 × 3 यानी 2√3. इसको आप लिख सकते हैं 3, और इसको एज इट इज़ रखना होगा हमें. नाउ a2 माइनस a1 यानी √6 माइनस √3. ओके, तो आप ऐसा कर सकते हैं, √3 × √2 लिख दीजिए √6 की जगह, माइनस √3, दोनों में से √3 कॉमन होगा और बचेगा क्या, √2 यहाँ पे और माइनस 1 यहाँ पे. नाउ यहाँ पे कर देते हैं a3 माइनस a2, 3 माइनस √6, 3 एज इट इज़, √3 को अगेन लिख दीजिए √3 × √2. देखिए कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अगर आप चाहे तो √3 को दोबारा आप स्प्लिट कर सकते हैं √3 × √3 से, बट कॉमन निकालने पर ये आंसर नहीं आएगा. और यहाँ पे जो a4 माइनस a3 है वो है 2√3 और आगे 3 है, तो ये भी अगर आप निकालोगे √3 कॉमन तो ऊपर के जैसा नहीं हो रहा, यानी सभी केस में क्या आ रहा है, डिफरेंस कॉमन नहीं है. सो इट डजेंट फॉर्म ap. ओके, नाउ लास्ट वन 15, आपको होमवर्क में करना है. 1, 9, 25, 49 एंड सो ऑन. ओके, नाउ सो a2 माइनस a1 यानी 9 − 1 विच इज़ 8, a3 माइनस a2 यानी 25 − 9 विच इज़ 16, और a4 माइनस a3 यानी 49 − 25 विच इज़ 24. ओके, आप देख रहे हो सभी केस में सेम नहीं है डिफरेंस. सो इट डजंट फॉर्म ap. ओके, क्वेश्चन 15 खुद से करना है, वो ap है, और आपको a5 a6 और 7 भी निकालना है और d भी. तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर है. इसमें एक ही लॉजिक है सारे 15 क्वेश्चन में, d फाइंड करना है, वो हो तो सेम होना चाहिए तभी d मिलेगा. अगर d मिल रहा है तो a5 a6 एंड n7 कैलकुलेट कीजिए. थैंक यू.